पिछले काफ़ी अरसा से यहाँ गंदगी फैली हुई है। जो झील है, झील का नामो निशान भी यहाँ नहीं दिखाई देता है। गिल सर का नाम जो है, वो फेमस जो बर्ड है गिल, उसके नाम पर पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वहाँ कोई परिंदे बर्ड्स यहाँ दिखाई देते हैं। डेफिनेटली ये जो पिछले कुछ एक अरसा से जो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी को जो हानि पहुँची है, उसको रिस्टोर करने की ताकत कम्युनिटी में है, और कम्युनिटी ने डिसाइड कर दिया है कि इसको रिस्टोर करना है। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इन्होंने आज डिसाइड किया हुआ है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से खुद वो आगे रह करके इन दोनों लेक्स को रिस्टोर करेंगे। मैं जस्ट आज यहाँ उनको बधाई देने के लिए आया था। एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जो जो सपोर्ट लगता है वो उनको मुहैया कराया जाऊँगा। नहीं, इसमें जो है डिमार्केशन हमने कर दिया है खुशहाल सर का, गिल सर का भी कर दिया हुआ है। तकरीबन 70 के करीब जो है इनक्रोचमेंट हमने आइडेंटिफाई की हुई है, उनके खिलाफ नोटिसेस भी दी थी, मामला कोर्ट में गया हुआ है। वो वहाँ से जल्दी जो है स्टे वैकेट करवाएंगे और उनको खाली करवाएंगे। ऑलरेडी जो है उनका वहाँ घर है, घर के सामने जो है उन्होंने सुगाड़ बढ़ाया हुआ है, तो रिहैबिलिटेशन मुझे नहीं लगता कहीं करने की ज़रूरत आ जाती है। जो जो इनक्रोचमेंट है उसको हम हटाएंगे। मेरा नाम मंजूर अहमद वांगनू है और मैं अपनी टीम नेलको के साथ आज यहाँ पर हूँ। आज यहाँ पर हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि पिछले 30 साल से जो यहाँ के लोग मांग करते थे कि यहाँ कुछ शुरुआत हो जाए, आज देवकाम साहब, डीसी साहब और एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पर ऑन स्पॉट डिसीजंस लिए, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार उनका हूँ। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर डिमार्केशन के लिए, फिर नेविगेशन के लिए, फिर क्लीन कैसे रखें, और एक जो हमारा एक मिशन एहसास है, उस एहसास को मैं कहता हूँ कि ये एहसास यहाँ के लोगों में आना है, यह एहसास मुझ में आना है, यह एहसास आप में आना है, यह एहसास एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। तो हम चारों मिलकर जब काम करेंगे तो ये वाटर बॉडीज़ हम बचा सकते हैं। और आज जब उन्होंने इस इनॉग्रेशन की हमारी इस मशीन का, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह तकरीबन 1 महीने में हम इसको कंप्लीट करके देंगे इंशाल्लाह। बस बशर्ते कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट जो ऑलरेडी उन्होंने दिखाया, और मैं आज देवकाम साहब के साथ मैंने उनको ये दिखाया, नाले अमीर खान के बाद वो आगे भी उनको जाना था, वो भी गए और उन्होंने देखा कि यहाँ की हालत कैसी है, इन वाटर बॉडीज़ की हालत कैसी है। तो हमने उनको ऑलरेडी रिटर्न भी दिया है और आज उनको हमने यहाँ पर ऑन स्पॉट भी बताया क्या क्या मसले हैं, तो उन्होंने ऑन स्पॉट आज डिसीजंस लिए, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। गिल कल रोजा, मेरा नाम मोहम्मद मकबूल, वनकस गिल कदल किस कदलस पे दशन कन खुशहाल गिल सर खोपुर साइड गिल सर दशन तरफ खोपुर तरफ खुशहाल सर यह ब्रोट शूबुद लूबुन यथ मह हाउस बोट चलान यथ मह नाव वसान अंग्रेज वसान यप पप गांधरबल तम वसान यप डल पे तो पत्मे 10-15 वर्य पे अमी हालात बड़े खराब, तो गोरमेंट इस गोरमेंट आई तिंद लापरवाही सब गो सोर खराब यह डल वन जन गये डिपार्टमेंटन तमो नी ना इंट्रस्ट बहरहाल मंजूर अहमद वांगन सोबन बड़े मशहूर तम आए योर तमो तुल अमी कदम कि बह सा कर पे लेवल पे साफ वो कर तम इन्वालव अत मे डिपार्टमेंट कह तम आज डिविजनल कमिश्नर साहब तमुत तम दी अत नजर तम दुप हा यह गति ठीक गुन यहाँ करो सपोर्ट काफी अस तो ये पब्लिक तैयार सपोर्ट करने खतर हर कुछ मामलात मे तम तैयार गवर्नमेंट सोरे तम तेन वह कर सोर्स तम हेकन कह इकदाम कर आज आज दुत एश्योरेंस डिविजनल कमिश्नर साहबन बह सा कर पूरे तावन यह सत्य तो यह सा गि ठीक गसान यह गोस ठीक गुन इत ब्रोट आब ग क्लियर गुन इत ब्रोट साफ उस शीश हू आब अमी आब चवान लक यथ मज स्रान करा यथ मज बा नाव हाउस बोट शिकारा वसान अंग्रेज वसान सो पोजिशन गज बहाल ग। INS, extremely fearless journalism.